अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई इमामुद्दीन रज़वी फिर हाजिर खिदमत हूँ एक नए वीडियो के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सभी लोग खैर वाफिस होंगे। सवाल हुआ क्या नापाकी की हालत में रोज़ा हो सकता है, या किसी शख्स ने रोज़ा रखा और बाद में इंजाल हो गया, एहतलाम हो गया, क्या उस हालत में रोज़ा हो जाएगा? देखिए हजरत मोहतरम, अगर किसी शख्स ने नापाकी की हालत में रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा बिला कराहत जायज़ है, रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर उसने नमाज छोड़ दी, मतलब नापाक था, नमाज छोड़ दी, तो नमाज छोड़ने का गुनाह उस पर पड़ेगा, अलबत्ता उसका रोज़ा हो जाएगा। पहली बात तो ये है, अगर आप नापाक हैं तो आप नहा लें, क्योंकि नहाने में कोई ज़्यादा वक्त तो लगता नहीं है। ये इंसान की गलत फहमी होती है कि इंसान जो है नहाने के लिए सुस्ती करता है। अलबत्ता अगर वक्त सहरी के वक्त जो एहतलाम हुआ और सहरी खाने में बिल्कुल जो है 10 या 15 मिनट बाकी थे, तो आप सहरी खा लें, सहरी खा के फौरन बाद ही नहा लें, नमाज ना छोड़ें। अगर नमाज छोड़ दी तो नमाज का गुनाह पड़ेगा, अलबत्ता आपका रोज़ा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।